जब अमर सिंह बिपाशा बासु के डर्टी टॉक से बॉलीवुड में मचा बवाल। बिपाशा बासु और कंट्रोवर्सी साए की तरह साथ चलते हैं। अपने पूरे करियर में बिपाशा ने फिल्मों से ज्यादा अपने लिंकअप, ब्रेकअप और झगड़ों के कारण ज्यादा सुर्खियां बटोरी। बिपाशा से जुड़े विवादों में सबसे ज्यादा हंगामेदार रहा उनका और अमर सिंह का ऑडियो टेप विवाद, जिसने न केवल अमर सिंह के फिल्मी घुसपैठ का खुलासा किया बल्कि बिपाशा के चाल, चेहरे और चरित्र को भी सरेआम उजागर कर दिया। हम बात कर रहे हैं बिपाशा बासु एंड पॉलिटिशियन अमर सिंह की शॉकिंग टेप कंट्रोवर्सी की। अमर सिंह और बिपाशा के बीच ये कन्वर्सेशन 2006 में रिकॉर्ड किया गया था। इस टेप में दोनों के बीच हुई कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड थी जिसे हम यूजुअली सेक्स टॉक कहते हैं। चूंकि ये पूरा मुद्दा एक फेमस फिल्म पर्सनालिटी और नामी गिरामी पॉलिटिशियन से जुड़ा था, इसलिए मीडिया के साथ साथ पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसे लेकर खासा बवाल मचा। पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये रहा कि ऑडियो टेप सामने आने के बावजूद दोनों ने ही एक दूसरे के साथ किसी भी तरह के एसोसिएशन को सिरे से नकार दिया। हालांकि अमर सिंह ने ये तो माना कि उस रिकॉर्डिंग की मेल वॉइस उनकी ही है, पर साथ ही ये भी कहा कि he had spoken that lines to a naughty male friend and it was a some bitchy man to man talk। लेकिन बिपाशा इससे साफ मुकर गई कि इस टेप में उनकी ही आवाज है। गनीमत ये रही कि इस टेप में बिपाशा बासु की आवाज को प्रूव नहीं किया जा सका, इसलिए भारी हंगामा और हो हल्ला होने के बावजूद इस धुएं से आग नहीं निकल पाई। अब भले ही ये बात लोगों के जेहन से निकल गई हो, लेकिन बिपाशा बासु और अमर सिंह के लिए यह इशू आज भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं। यहाँ ये बताना दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्या रॉय और सहाराशी स्कैंडल में भी अमर सिंह मुख्य शिल्पकार के रूप में कुख्यात रहे। इस कंट्रोवर्सी में अमिताभ बच्चन भी घसीटे जा चुके हैं। इसे अमर सिंह के साथ उनकी नजदीकियों का नतीजा बताया गया। अमर सिंह भले ही इन सब मामलों में बेपर्दा नजर आए, लेकिन इससे सफेदपोश चेहरों को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता।